इसे भी बंद बन गया साहब। एक बस ने मैं बुरी तरह से कुचल दिया, मेरा साथी मर गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया साहब। बस ने कहाँ पर? साहब कालिंदी रोड पर। कालिंदी रोड पर, अच्छा ये बस है कैसी? साहब एक गुलाबी रंग की बस है और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है साहब। गुलाबी रंग की बस और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है, ठीक है हम लोग आते हैं। हाँ थैंक यू। अभिजीत। यस सर। कालिंदी रोड पर एक गुलाबी रंग की बस जिस पर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है बड़ी तेजी से भाग रही है। उसने अब तक एक आदमी की जान ली है और एक को घायल किया। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर के उन लोगों को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो और सचिन से कहो कि इस बस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाले और दया कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। यस सर। ये बस काफी आगे निकल चुकी है। हाँ मगर गया तो इसी रास्ते से ही ना, जाएगा तो जाएगा कितनी दूर, कोई ना कोई तो देख ही लेगा उसे। सर कंट्रोल रूम ने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सब पुलिस स्टेशन को खबर कर दी। वेरी गुड सर। आगे पुलिस चेक पोस्ट है, उन्होंने जरूर देखा होगा उस पर। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। ठीक हो? आदि जी, आदि जी, आदि जी। वही बस गई यहाँ से? हाँ सर, ये बस यहीं से गई है सर। पूरा चेकनाका तोड़ दिया सर, ये सारे ड्रम हवा में उड़ा दिया सर। हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की सर, लेकिन नहीं रोक पाए सर। देखो घबरा मत, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सर। कितनी देर हुई बस को ऐसे कर रहे? अभी अभी गई है सर। तुमने उसके टायर पर गोली नहीं चलाई? मैंने गोली चलाने की कोशिश की सर, लेकिन वो तूफान के जैसा निकल गया सर, मैं कुछ नहीं कर पाया सर। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। हम इस प्रकार से हाथ से हाथ रख के नहीं बैठ सकते। पागल हो गया क्या? पहले तूने उन दोनों हाथ गाड़ी वाले को उड़ा दिया, सुरक्षा के नाका तोड़ करके भाग निकला। अरे मुझे तो लगता है नशे में है, जरूर शराब पी के बैठा होगा। कोई नशे में नहीं है, जाओ चुपचाप बैठो सीट पे। अरे मेरे को तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। हमें ड्राइवर को सबक सिखाना होगा, हमें जरूर इसके मालिक से इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शिकायत जरूर करूंगी। अरे हमें यहाँ पे घुमाने के लिए बुलाया है, ना कि एक्सीडेंट दिखाने के लिए। एक के बाद एक लोगों की जान लिए जा रहा है ये, और ऊपर से इसके दादा के लिए देखो। स्टॉप, दादा जबान मत चला, साहब ने सीट पे बैठ। और ड्राइवर जबान चलाया जा रहा है, अपने औकात में ये औकात के सपोर्ट। दादा जबान संभाल के बात कर, ये बस रुकने वाली नहीं है। अच्छा दादा होशियारी मत दिखा, जब तक ये बस चल रही है तुम लोग जिंदा हो, जैसी बस रुकी तुम लोग भी नहीं रहोगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? बस में बम है। क्या? जैसे ही बस रुकेगी बम फट जाएगा, इसलिए बस चलने दो जब तक चलती है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। निकालूं चाबी? निकालूं? अरे नहीं नहीं, नहीं, निकालूं चाबी, बंद करूं? चलो अंदर बैठो। बस पे बम है, अब क्या करें? इसमें बम है। वो देखो बस बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हाथ गाड़ी वाले ने बताया था। अरे ये लोग तो हमें देख रहे हैं। ये लोग हैं कौन? शायद हमारी कोई मदद करने आए हो। मैं देखता हूँ। हमें बचा लीजिए भाई साहब, हम भाई कान खतरे में हैं भाई साहब। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। अरे तो सीआईडी से? सीआईडी वाले? सीआईडी भाई साहब, ये लोग मार डालेंगे हमें, हमारी कान खतरे में हैं भाई साहब। ये लोग हमें मार डालेंगे भाई साहब। इस आदमी को कहो अंदर रहने के लिए, इस तरह लटकना खतरा हो सकता है सर। पहले अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। ड्राइवर के साथ ले लो गाड़ी घर पर। ड्राइवर गाड़ी रोको। अबे चल। अबे रुक, गाड़ी रोको। हेलो
एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारे आदमी मेरे निशाने पर हैं, मेरे एक इशारे पे ये दुनिया से उठ जाएंगे। चुपके वार करता है, हिम्मत है तो सामने आ जा। वक्त आने पे मैं सामने भी आ जाऊंगा, फिलहाल मेरी आवाज से ही काम चला लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस बस में बॉम्ब है, एक झटके में उड़ा दूंगा सबको। नहीं सर, बॉम्ब हम कुछ नहीं है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। एसीपी अपने इस ऑफिसर से बोलो कि इसे मजाक न समझे, यकीन न हो तो खुद देख लो। हेलो हेलो हेलो, खुद कट कर दिया उसने। सर बस के नीचे कैसे देखे? कोई ना कोई तो रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा। दया एक रास्ता है सर। क्या? सर हमारे पास जो बॉम्ब डिटेक्टर है उसे हम देख सकते हैं कि बस के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है या नहीं। विवेक तुम कर सकते हो ना? यस सर मैं कर सकता हूँ। ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी करेगा, मुझे तो इसके ऊपर भरोसा नहीं। सर मैं कर लूंगा सर। नहीं विवेक, तुम ऐसे मौके पर अपनी जान को खतरे में डालते हो, साथ साथ 15 पैसेंजर थे उस बस में, उनकी भी जान को खतरे में डाल सकते हो। तो नहीं कुछ नहीं करोगे तुम? दया कुछ और सोचो। सर प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। करोगे? यस सर। लेकिन ध्यान से। यस सर। ये सियाड़ी वाले कुछ करते क्यों नहीं, बस जी भगा जा रहे हैं। लग रहा है ये लोग हमें मरने के लिए यही छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये सीआईडी वाले हैं, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा ना। एक संभाल गए। अंदर वाकई में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हेलो, हाँ बोलो। अब तो यकीन आ गया ना एसीपी साहब, अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, नहीं तो इनकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। देख इस वक्त बाजी तेरे हाथ में है, जिस दिन बाजी हमारे हाथ में आएगी ना, देखते रहना ऐसा हाल करूंगा कि मरना पसंद करोगे तुम, समझे? लगता है ये बस वाला भी अपराधियों से मिला हुआ है, इसलिए बस रोक नहीं रहा है। जब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसेंजर्स की जान खतरे में। मुझे मालूम है ये लोग हमारी मदद नहीं कर सकेंगे, हम सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा होता है अगर मैं इस लालच में नहीं आता। मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। समझ नहीं आता ये आदमी है कहाँ पे, इसे पता कैसे चलता है? सर शायद वो बस में ही बैठा होगा। अगर बस में होता तो पता चल जाता। हाँ सर ये बात तो है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी पे फोन करो, पता लगाओ जिस नंबर से हमें फोन कर रहा है वो फोन कहाँ पर है, ये मैंने फोन कर लिया। सर शायद उसे हमारी गाड़ी की पहचान हो गई है, हमें जल्द से जल्द सर गाड़ी बदल देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें बस का पीछा रुकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में पैसेंजर्स को बचाना है। ठीक है सर, किसी की गाड़ी रोकते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं। कहा था ना ये लोग तुझ करने वाले नहीं है। बॉस हम लोग सीआईडी से, एक इमरजेंसी है, हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। अभी अभी जो गाड़ी गई है यहाँ से उसका पीछा करना है, कुछ लोगों की जान खतरे में, प्लीज जल्दी। तुम एक बैठो अंदर। मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि ये स्पेशल नंबर है सर, पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। उनको कहो ये स्पेशल नंबर की ऐसी की तैसी, किसी भी हालत में हमें अभी के अभी नंबर चाहिए, पता लगाना चाहिए, पैसेंजर्स की जान खतरे में। अगर किसी पैसेंजर को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उनकी रहेगी, कहो उनसे। यस सर। 15 दिन के बाद का टिकट चाहिए तो बोलिएगा सर। बुकिंग नहीं करवानी हमें, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? वो बस तुम्हारी है ना जिस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है? लेकिन सर हमारी सभी बसेस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है। गुलाबी कलर की बस। आप उसकी बात कर रहे हैं? वो तो जैस चलाता है सर। तुम्हारा ये ड्राइवर क्या अंधा है, कैसे गाड़ी चलाता है? दो लोगों को टक्कर मारी है उसने, जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मौत हो गई? हाँ एक की मौत। फोन लगाओ जैस को। सर वो लगाओ, मैंने बोला फोन। उनकी घंटी सुनाई दे रही है ना? अरे बज रहा है, ढूंढो सही, शायद कुछ फायदा हो। मैं ढूंढना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने घर पे फोन करती हूं। अरे
तुम्हें घर पे फोन करने की लगी है? हम लोग सोच रहे हैं कि फोन मिले तो हम किसी से मदद मांगे, सीआईडी तो हम लोगों को छोड़ कर चली गई। अरे ये फालतू बात छोड़ो, मेरा फोन ढूंढो। अरे सुनो, तो सामान रखने की जगह से आ रही है। तो देखो ना जरा क्या है यहाँ पे, घंटी बज रही है लेकिन उठा नहीं रहे। हेलो जयेश, मैं प्रीतम बोल रहा हूँ, बस के पैसेंजर्स में से एक। देखो एक काम करो, जयेश को फोन दो जल्दी से। जयेश? हाँ तो जयेश कोई नहीं है। क्या कोई जयेश नहीं है? लाश है, हो सकता है उसका नाम जयेश हो। क्या लाश? ये किसकी लाश है? पता नहीं किसकी लाश है, जहाँ पे सामान रखते हैं ना सर, वहाँ पे ये लाश पड़ी है। उसने कपड़े कैसे पहने? ड्राइवर के कपड़े पहने हैं सर, उसके कपड़ों पर एक नेम प्लेट भी है सर। अब जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? सर जयेश लिखा है। मतलब किसने ड्राइवर का खून कर दिया? सर तो बस कौन चला रहा है? सर उनमें से कोई आदमी चला रहा होगा, जिन लोगों ने बस के पैसेंजर्स को बंदी बना के रखा है।